हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की डेट में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपने देख लिया है यहाँ पर अपने थंबनेल में। तो अगर हम बात करें, पिछले काफी टाइम से हमने श्रीराम ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात करी थी, और बात करने पर हमारे क्या निकला था कि इसे सेल करने की हमारी एक राय थी। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट। इससे पहले लास्ट वीक भी हमने बात करी थी श्रीराम ट्रांसपोर्ट, तो बार बार श्रीराम ट्रांसपोर्ट के सेल की बात हुई थी। और बट अब आज की डेट में बात होने वाली है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के बाई की। और क्यों बाई की बात होने वाली है, तो उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। ओके, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए और हमें एक अच्छे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस से मिलती रहे। और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की, आप जरूर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको सीखना है, सीखने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अगर हम हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा कि आप जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, हर एक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम बात करने वाले हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट की। 1172 का यहाँ पर प्राइस चल रहा है, 10 की फेस वैल्यू है। 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग 1700 रुपये और 918 रुपये पे शेयर 52 वीक लो 22 दिसंबर को आया था, उसी के आसपास यहाँ पर देखिए शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा देखिए तो आज के रेट में लगभग 30% के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, उसका अंदाजा यहाँ पर डिविडेंड से लगाया जा सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कंपनी अच्छी है या नहीं। तो 2020 में एक बार यहाँ पर 6 रुपये का डिविडेंड दिया, 2021 में यहाँ पर 3 बार डिविडेंड कंपनी दे चुकी है, तो यहाँ पर 3 बार डिविडेंड दे चुकी है। तो कंपनी को पैसे आ रहे हैं, तभी प्रॉफिट कर रही है, तभी डिविडेंड दे रही है। तो इस चीज को आप यहाँ पर समझिए कि डिविडेंड का एक साथ बढ़ जाना एक अच्छा फैक्टर। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के पास जितने भी शेयर, कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है वो काफी बेहतरीन, काबिले तारीफ यहाँ पर 5 times होता हुआ नजर आया। इसके अलावा हम देखें तो कंपनी का यहाँ रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू यहाँ पर देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 10 से 13 हुआ, 13 से 15, 15 से 16, 16 से 17,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू हुआ। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना थोड़ा सा यहाँ पर डाउन होता हुआ नजर आया, बट जैसे जैसे चीजें दोबारा सुधरती आ रही है, दोबारा ये चीज ऊपर जाती हुई दिखाई देगी और एक बेहतरीन बेहतरीन मतलब बेहतरीन आपको रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। एज वेल एज अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग, वो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में 0.57% यहाँ पर बढ़ती हुई, सॉरी 0.57 तो नहीं कहेंगे, लगभग अच्छी खासी 0.48% यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जान लेते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखिए कमर्शियल व्हीकल लोन्स ये प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर एंड फार्म से इक्विपमेंट फाइनेंस एज वेल एज कंस्ट्रक्शन फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस लोन ये देते हुए नजर आते हैं। डिपॉजिट ये करते हैं जिसमें ये RD रिकरिंग डिपॉजिट एज वेल एज फिक्स डिपॉजिट ये करते हुए दिखाई देते हैं, और भी बेहतरीन दूसरी सर्विसेज देते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन्स ये प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें अगर बात करें व्हीकल इंश्योरेंस, टायर फाइनेंस, टायर टैक्स फाइनेंस, यहाँ पर टोल फाइनेंस, ये सारे के सारे फ्यूल फाइनेंस, ये सब कुछ देते हुए दिखाई देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस ये कंपनी करती हुई दिखाई देती है, या फिर इनके साथ किसी का पार्टनरशिप होगी, जो भी होगा लाइफ इंश्योरेंस भी ये करते हैं। तो इमरजिंग क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से रिलेटेड ये कंपनी। तो कंपनी का अगर बात करें फाइनेंस रिलेटेड और हर एक फाइनेंस सेक्टर से ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब स्मॉल मीडियम कमर्शियल सब तरीके के लोन देते हुए दिखाई देते हैं, तो एक बेहतरीन यहाँ पर कंपनी है। अब एक न्यूज बीच में चली आ रही है कि सिटी यूनियन एज वेल एज श्रीराम कैपिटल्स इनका मर्जर होने वाला है, किसमें, यहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। जब ये मर्जर हो जाएगा तो कंपनी का जो मार्केट कैप है और बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंपनी कुछ कंपनी अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा नहीं कर रही होगी, दोबारा से अच्छा करने की वो कोशिश करेंगे, और एक जगह पर सारी कंपनी यहाँ पर मर्ज हो जाएगी, तो एक जिसे कहते हैं ना सेम काम, मेरे ख्याल से सिटी यूनियन में भी लगभग सेम ही काम होता हुआ दिखाई देता है फाइनेंस का। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन रहेगी, कोई ज्यादा अलग अलग चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब एक ही साथ चीजें चलना शुरू करेगी तो काफी बेहतरीन यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। ये इनका व्यू है, और ये व्यू मुझे अच्छा भी लगता है कि अगर सेम चीजें यहाँ पर है तो अगर एक ही कंपनी पे ध्यान लगाएंगे
अलग अलग वोटों पे बैठने की जगह, तो यहाँ से अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी एक बेहतरीन है, आरबीआई से यहाँ पर इन्हें लाइसेंस वगैरह सब मिला हुआ है, तो कंपनी काफी बेहतरीन है। तो अभी की बात करें तो मार्केट कैप यहाँ पर 31,704 करोड़ रुपए के आसपास का है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जब मर्जर हो जाएगा तो ये चीज बढ़ती हुई दिखाई देगी। मार्केट कैप ऑलरेडी ये लार्ज कैप है और बेहतरीन बड़ी कंपनी बनती हुई दिखाई देगी। 13 के पी पे यहाँ पर स्टॉक चल रहा है। आरओसी की बात करें 10% और 12% का आरओसी है हमेशा फाइनेंस कंपनी का, इतना ही दिखाई देगा। डेट की बात करें 4.4% है, और डेट जितना बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है उतना ही इनके पास इंटरेस्ट आएगा, ये इनके लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। 10 का फेस वैल्यू है, तो आगे चल के स्प्लिट भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। और श्री राम ट्रांसपोर्ट, श्री राम ग्रुप यहाँ पर आपने देखा, ये श्री राम फाइनेंस, तो ये एक बड़ा ग्रुप है। और ये बड़े ग्रुप है, रिनॉइंड ग्रुप है, आप सभी लोग जानते भी है, तो इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है। एज वेल एज बात करते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, उसी के आसपास शेयर चल रहा है, बुक वैल्यू उसी के आसपास ये शेयर चल रहा है, और हाई से अच्छा खासा ये करेक्ट भी हो गया। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, ऊपर जाते ही चार्ट पैटर्न है, बट बीच में हर्डल्स आते रहते हैं क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर है, जब फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू देख सकते हैं। देखिए चीजें यहाँ पर जब एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ यहाँ पर दिखाई देती है, एक आध क्वार्टर में जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन यहाँ पर डाउन हो सकती है, या फिर पैंडमिक में जैसे यहाँ पर ये सब चीज डाउन होती हुई दिखाई दी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सेप्शन में आती है। बट एक कंसिस्टेंट जब ग्रोथ दिखाई देती है ना किसी कंपनी में, तो इसका मतलब है कंपनी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है, कंपनी इज मेकिंग अ वेरी गुड मनी। और जब कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाती है तो ऑब्वियस सी बात है उनका शेयर प्राइस भी ऊपर जाता है। तो यहाँ पर 2020-21 में तो यहाँ पर हमें पता है कि ये पूरा का पूरा कोविड का सीजन था, इस वजह से यहाँ पर थोड़े से हम के प्रॉफिट अगर देखते हैं, जहाँ पर 2020 से 2019 दिसंबर 2019 में 882 करोड़ का प्रॉफिट था, वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, कोविड। बट धीरे धीरे यहाँ पर चीजें सही हो रही है, और अभी हाईएस्ट एवर यहाँ पर इनके रेवेन्यू एज वेल एज हाईएस्ट एवर पिछले 5-6 क्वार्टर के यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं, और धीरे धीरे जब ये रिजल्ट और बढ़ते हुए अच्छे नजर आएंगे, सब कुछ अच्छा खासा होता हुआ दिखाई देगा, तो ये शेयर फिर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा। तो कल की प्रिपरेशन के लिए आज तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा आगे रहता है। शेयर को अगर सोचेंगे कि ये ठीक हो जाएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ठीक हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, जब ठीक हो रहा है तब उसमें इन्वेस्ट करना है, तो चीजें हमें अच्छा रिवॉर्ड देती हुई नजर आएगी। रेवेन्यू की बात करें, यहाँ पर एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, 44 से 54 हुआ, 61 हुआ, 7,000, 8,000, 9,000, 10, इसके बाद 13, 15, 16, 17, और पिछले 12 महीने का 18,000 करोड़ रुपीज के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये प्रॉफिट भी अच्छे काबिले तारीफ अच्छे प्रॉफिट है। यहाँ पर धीरे धीरे चीजें बढ़ती हुई दिखाई देगी, दोबारा यहाँ पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आएगा, तो सब चीज यहाँ पर हाईएस्ट एवर जैसी आएगा तुरंत यहाँ पर शेयर का प्राइस भी अप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी का रिजर्व्स काफी बेहतरीन है, बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बोरिंग की बात करें कि बोरिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर इतने पैसे कोई पैसे नहीं लगे हुए, बट इन्वेस्टमेंट 5,700 करोड़ का है। कैश की बात करें 15,000 करोड़ का कैश है, जो भी यहाँ पर बेचते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है, तो नेट कैश फ्लो भी अच्छा खासा है इनके पास। आरओई यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट धीरे धीरे अच्छी हो रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, जो हमारी लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में घटती हुई दिखाई देती, वो धीरे से दोबारा से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एफआईआई की बात करें, वो थोड़ी सी यहाँ पर कम होती दिखाई दे रही है, 61 से 57 हुआ, 53 हुआ, बट इसके अगेंस्ट में ये चीजें यहाँ से निकल के कहाँ चली गई, डीआईएस के पास। डीआईएस ने 2 से 4 किया, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 11, 11 से 14 और 15 के आसपास है, तो चीजें एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है। देर से पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.93% के शेयर यहाँ पर पब्लिक के पास भी है, तो सब कुछ अच्छा नजर आता है, कुछ भी यहाँ पर किसी भी तरीके का डेंट नहीं नजर आता। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, तो शेयर अगर हम यहाँ पर देखें तो शेयर अच्छा खासा है, यहाँ पर ऑलरेडी अपने टॉप से यहाँ पर गिर चुका है। यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, जो कि 30% के आसपास, 31% के आसपास की है, तो 30% की गिरावट एक मामूली गिरावट नहीं, एक बेहतरीन गिरावट मानी जाती है, तो ऐसी गिरावट का हमेशा हमें फायदा उठाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पर ये शेयर को लेते हैं, और यहाँ पर अगर ये शेयर यहाँ पर तक पहुँचता है दोबारा, तो 44% के गेन मिलेंगे, बट 44% के गेन नहीं, यहाँ पर से पहले ये एक बार इसे टेस्ट करता हुआ नजर आएगा 30%। तो यहाँ पर आपको 30% के गेन के लिए मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इसका एक बेहतरीन लेवल यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पर जब भी ये 1500 के आसपास शेयर आए, तो यहाँ पर बेच के निकलने की मेरे हिसाब से आपके लिए सलाह रहेगी, क्योंकि चीजें फिर नीचे आएगी तो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं।
तो 30% का पहला टारगेट, 44% का दूसरा टारगेट, और यहाँ पर आरएसआई की बात करें तो 20 के आरएसआई पे शेयर मिल रहा है। 20 के आरएसआई पे तो शेयर मेरे ख्याल से तब भी नहीं आया था जब यहाँ पर पैंडमिक आया था, हाँ तब भी 17 पे आया था, अभी 20 पे आया, तो उसी के आसपास है। उसके बाद देख सकते हैं कि एक कैसी रैली कुछ टाइम में हुई थी। तो इसी तरीके से जब चीजें नीचे आई है तो धीरे धीरे यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद चीजें ऊपर जाएगी, तो एक अच्छी खासी रैली होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर तो बिजनेस खराब होता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ पर बिजनेस बिल्कुल अच्छा हो रहा है, तो ये रैली और शार्प होगी और बेहतरीन ऊपर लेवल पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। एक लंबा कंसोलिडेशन शेयर लगभग अगर बात करें जैन से लेके अभी तो लगभग 12 महीने के कंसोलिडेशन पे ये शेयर चल रहा है और उसी लेवल पर आके यहाँ पर अप्रोच कर रहा है। और कुछ पॉइंट्स की बात करें तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, अगर मार्केट में गिरावट होती है तो इधर भी गिरावट होगी, और इधर गिरावट होगी तो यहाँ पर ज्यादा नहीं 100 रुपए का रिस्क है। ओके 100 रुपए यहाँ पर नीचे, तो उसमें बाय ऑन डिप्स करना है। बट ऊपर जाने की अगर हम बात करें 30% का पहला, 44% का दूसरा, तो ये हमें 30% का रिटर्न, और गिरावट की बात करें तो कितनी गिरावट हो सकती है मैक्सिमम उसकी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक मैं पॉइंट लगाऊं तो लगभग लगभग 5% के यहाँ पर रिस्क, ओके 30% का यहाँ पर प्रॉफिट। तो ये इसे कहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना। तो रिस्क 5% की, प्रॉफिट 30 और 44% का, तो ये ही हमें अच्छा खासा गेन मिलता हुआ नजर आएगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक बेहतरीन कंसोलिडेशन हो चुका है, चीजें अच्छी खासी आ चुकी है, आरएसआई काफी नीचे आ गया है। ऐसे लेवल पर हमें यहाँ पर चीज खरीदनी चाहिए, और हम अगर हम ऐसे चीज लेवल पर हमें चीज खरीद देते हैं तो ऑब्वियस बात है चीजें यहाँ पर हमें अप्रिशिएट करती हुई नजर आएगी, प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा, और प्रॉफिट जब हमें मिलेगा तो अच्छा खासा हमारे पास पैसा बनता हुआ नजर आएगा, और चीजों को यहीं से ही हमें लेना भी चाहिए। इसके अलावा चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ कब बनाया, कब बनाने के बाद एक हैंडल बनाता हुआ नजर आया। ओके इसके बाद यहाँ पर ये चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी, ऊपर जाने के बाद कुछ डिसीजंस, कुछ मार्केट का फॉल और उसकी वजह से शेयर का नीचे आना। चीजें ऊपर चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी वहां, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर सेलिंग आई तो सेलिंग की वजह से चीजें नीचे आई, और एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर सूनर और लेटर जब फिर इसके हिसाब से जो टारगेट बनते हुए नजर आएंगे वो टारगेट भी अच्छे खासे टारगेट होंगे, वो बेकार टारगेट नहीं होंगे। वो टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये टारगेट हमारे नजर आते हैं लगभग लगभग तो अगर हम बात करें 1837 रुपए का, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने बात करी थी, लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये टारगेट आएंगे। तो सबसे पहला टारगेट 30% का, जो आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको आ जाना चाहिए। दूसरे टारगेट की बात करें 43% का, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर या 9 महीने के अंदर अचीव हो जाना चाहिए। इसके बाद तीसरा टारगेट की अगर हम बात करें तो 55% का, जो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ अचीव हो जाना चाहिए। तो ये तीन टारगेट है, तीन टारगेट के लिए आप देख सकते हैं। सबसे पहला 30% का, उसके बाद चीजें नीचे आएगी, फिर दोबारा बेच के यहाँ पर खरीदने की कोशिश करिएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर भी जाएगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा। चीजें अच्छी लगी हो, अच्छी आपको एक्सप्लेन किया है, अगर अप्रिशिएट करते हैं तो हमें लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और इस वीडियोस को भी लाइक करिए, दूसरे वीडियोस को जाके देखिए, चीजों को सीखिए, सीख के पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, टारगेट अचीव होगा, 20% का क्वार्टरली निकल जाए, 40% का एनुअली निकल जाए, अच्छे एक लिस्ट बनाइए और फिर उसी में इन्वेस्ट करिए। 500 स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 5000 स्टॉक्स है 500 की लिस्ट बना के रखिए, जो अच्छा लगे टाइम टू टाइम उसे खरीदते रहिए, बेचते रहिए, खरीदते रहिए, बेचते रहिए, तब पैसा बनता हुआ नजर आएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।